क्राइम से जुड़ी हुई खबरों पर नजर डालते हैं क्योंकि समय है क्राइम जगत का। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले फिर से बुलंद दिख रहे हैं। दिन दहाड़े एक युवक की बहरहमी से पिटाई की है और इसके बावजूद भी उनका दिल नहीं भरा तो इन बदमाशों ने पूरे परिवार के साथ भी मारपीट की है, जिसमें नौशाद नाम के व्यक्ति को काफी गंभीर चोटें आई हैं और कई जगह फ्रैक्चर भी हो गया है। यहाँ तक कि एक 16 वर्षीय किशोरी के पैर में भी काफी गंभीर चोटें आई हैं, हड्डी भी टूट गई है। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद थे कि उन्होंने महिलाओं को भी नहीं बख्शा, उनके साथ भी मारपिटाई की गई। और वहीं आपको बता दें कि पीड़ित परिवार 3 दिनों से थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और अब ये परिवार मदद की गुहार लगा रहा है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी मदद की गुहार लगाई है। बदमाशों ने घर का दरवाजा तोड़ा, ईंट पत्थर से पथराव भी किए और इस दौरान पीड़ित परिवार का शोरगुल सुनकर कई लोग इकट्ठे हो गए। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। जैसा कि सभी जानते हैं कि इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है और दूसरी ओर इतनी गंभीर चोट आई है, गरीब परिवार है तो ऐसी स्थिति में कैसे इनका भरण पोषण होगा, क्योंकि ये पूरा परिवार ही गरीब है, मजदूरी करके अपना खर्च चलाता है। ऐसे में गंभीर स्थिति, इलाज और परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, जबकि अभी तो उनकी कोई सुनवाई ही कहीं नहीं हो रही है। नौशाद, क्या हुआ तुम्हारे साथ, किसने मारपीट की है? किस बात के लिए झगड़ा हुआ तुम्हारा? बच्चों अच्छा, तो तुम्हारी जो चोट आई है किस चीज़ से है? मेरे ये तुम्हारी दिमाग में। किसने मारी? उन्होंने पथराव करा। कितने लोग थे? 14-15 लोग थे। अच्छा, इस मामले में पुलिस को सूचना दी तुमने? हाँ दी। फिर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया नहीं किया? क्या वो आया नहीं करना थी। कौन? वो मैडम साहब आई बस। अच्छा, फिर? फिर और कोई नहीं आया। अब पुलिस ने कुछ किसी को गिरफ्तार किया, मुकदमा हुआ नहीं हुआ? ना। तुम्हारा तरन्नुम, कि तुम्हारे जो पैर में चोट लगी किसने मारा तुम्हें? इधर से पथराव हुआ, एक साथ मकड़ी बना रही है तो मैंने ध्यान दिया, एक साथ इधर से पथराव हुआ ना तो मेरे आम के ईंट पड़ी पैर पे। तुम्हारा उससे कोई झगड़ा हुआ था? ना कुछ भी नहीं, हम तो अपने चाचा को खड़े हुए पिटवा रहे हैं, ये भी ना देखा हमारे चाचा पिट रहे हैं चित रहे हैं, हमने तो कुछ भी ना कहा, उन्होंने की तरफ बचाया भी ना, जब भी हम पे हमारे यहाँ पर हमला करा इन्होंने। क्या हुआ इनके साथ, किसने मारपीट करी, कैसे चोट लगी? फरमान और सिराज, सिराज के दोनों तीनों बेटे और भी उनके साथ आए थे, जिन्होंने मारपीट कर लिया और उन्होंने पीछे से फायरिंग भी करी और मारपीट करने के बाद किस किस के चोट आई है? इसमें चोट इसमें नौशाद के आई है और तरन्नुम के आई है। अच्छा, कितने लोग थे? कम से कम 15-16 थे। पुलिस ने कोई कार्रवाई की? पुलिस हमारी सुनी ना रही, जाते भगा देते हैं, जाते भगा देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कई उन्होंने कल मैंने जाके तो वो ये कह रहे कि साहब ना ही मैं जेल में डाल सकता और ना ही मैं उनको बंद कर सकता क्योंकि लॉकडाउन का माहौल चल रहा है। मैं कह रही सर कोर्ट तो कार्रवाई कर रहा, उन्होंने कोई भी हमारी सुनवाई नहीं करी। पहले हम अस्पताल गए, अस्पताल से फिर वहाँ गए कोतवाली, कोतवाली से फिर अस्पताल गए, हमने 4 चक्कर लगाए, उन्होंने कोई हमारी सुनवाई नहीं करी। अब बताओ हम करें तो क्या करें, और वो तो ये धमकी दे। क्या चाहते हो तुम? अब हम तो ये चाह हमारा फैसला होना चाहिए, क्या कहें हमारे बच्चे के भाई के चोट लगी भी है, हमें तो इंसाफ चाहिए ना। इसका दंडवार कौन है? 1500 रुपये महीने का उसका किराया, बीवी उसकी बीमार रहती है और उसका खर्चा है। क्या हुआ उसके बाद भी? अब क्या, अब भी कुछ कह रहे हैं वो लोग तुमसे? मैं तो करूँगी, जब मेरी बच्ची का भी चोट लगी है कार्रवाई तो होनी है। अगर वो लोग जो दूसरा पक्ष के, अब भी कुछ कहता तुमसे? वो कहता तो कुछ ना, तो वो तो जब चोट उसके लगी ना, चोट तो हमारे लगी है, वो तो यही कह रहा था। उससे पहले भी उन्होंने ये कहा था कुमार मेरे हाथों से पिटेंगे, पिटेंगे, उन्होंने पीट लिए। रिहाना, किसने मारपीट करी तुम्हारे और तुम्हारे पति के साथ? मारपीट में। क्यों करी मारपीट? बच्चों के ऊपर हमने, बच्चों को उन्होंने मारा था, बच्चों को मैं कहने से बात करना आई थी, बच्चों को मार रही हूँ, हम ऐसे मारेंगे, हम ऐसे मारेंगे, यहाँ बैठेंगे तो ऐसे मारेंगे। क्या हुआ उसके बाद? तो उन्होंने, उनका लड़का है उसके आदमी और वे हस्बैंड उनके, वे हम उनसे चिपड़ गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो उन्होंने मारछेद कर दी थी, हमारे नंदे करने लगा, तुम क्यों बोल रहे, लेडीज बोल रही है जब, तो तुम आदमी को कोई नहीं काम नहीं है बोलने का, उन्होंने
हमारे को ऊपर जाकर हमने बचाव कर दिया, अपने बच्चे चुप लिया गए उन्होंने ऊपर से परछाव कर दिया हमारे ऊपर। तुम्हारे आदमी कहाँ का चोट लगी है? हमारे आदमी को घुटने में, दोनों हाथ में और सिर में। कितने लोग थे मारने वाले? 15। अच्छा, पुलिस ने कोई कार्रवाई करी? नहीं, पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, बस पुलिस एक बार आई फिर दूसरा भी नहीं आई पुलिस। किसने मारपीट करी तुम्हारे साथ? जैसे हमने बचाया ना इन्हों को तो हमारा आदमी कुछ पटवाई, हमने अपना आदमी कुछ छुड़ाया तो इन्होंने मेरे पे कदम नहीं लिया। किस चीज़ से मारा तुम्हें, किस चीज़ चोट लगी तुम्हारी है? किस चीज़ से वार करा तुम पे? हाथों से। और जब कनम जी हमने बीच बचाव कर अंदर को आ गए तो कनम जी ने लाल कुआ के आदमी बुला लिया फोन करके, और कनम जी हमारे किवाड़ तोड़ दिए और ऊपर जो गए हम जैसे कि बचाव करने को तो ये पथराव कर दिया हमारे ऊपर।